सब्सक्राइब करें आरके ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। आज मैं आपको कक्षा छठी की प्रश्नावली 1.2 जो पेज नंबर 18 पर स्थित है और उसका प्रश्न नंबर 10 और 11 और 12 इस वीडियो में सिखाऊंगी। तो प्रश्न नंबर 10 की रकम पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चों, दवाइयों को बक्सों में भरा गया है, कुछ दवाइयां हैं उनको बक्सों में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बॉक्स का, प्रत्येक का मतलब एक एक कार एक का भार 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। एक वैन में जो 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं? तो बच्चों, हमें इसके अंदर बताया गया है कि एक वैन है उसमें 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जाया जा सकता, यानी कि 800 किलोग्राम कैपेसिटी की एक वैन है, गाड़ी है, उसके अंदर 4 किलोग्राम 500 ग्राम इतने इतने ग्राम के किलोग्राम के बॉक्स रखे जाने हैं। तो ये पूछा गया है ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं, यानी कि हमें जो है बक्सों की संख्या निकालनी है। तो हम यहाँ इसका हल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चों प्रत्येक बॉक्स का भार, प्रत्येक बक्स का भार, बक्स का भार बराबर है 4 किलोग्राम 500 ग्राम और वैन का जो गाड़ी है हमारी, वैन का की क्षमता लिख लेते हैं, वैन की क्षमता बक्से ले जाने की क्षमता, यानी कि वैन की क्षमता बराबर है 800 किलोग्राम की है, 800 किलोग्राम की, सॉरी किलोग्राम, ग्राम आएगा यहाँ पर, मीटर लिखा गया, किलोग्राम। तो क्या करेंगे बच्चों, हम जो वैन की क्षमता है 800 किलोग्राम उसको 4 किलोग्राम 500 ग्राम से भाग दे देंगे, लेकिन भाग देने से पहले हमें इनकी यूनिट को यानी कि इकाई को, किलोग्राम और ग्राम को, इनको एक इकाई करेंगे। 800 किलोग्राम किलोग्राम में दिया हुआ है और ये 4 किलोग्राम 500 ग्राम है, इसमें 2 इकाइयाँ दी गई हैं, तो हम जो छोटी इकाई है उसमें इसको बदल लेते हैं। तो यहाँ पर 4 किलोग्राम बराबर हो जाएगा 4 × 1000 ग्राम और जमा इसके अंदर आ जाएगा ये 500 ग्राम। तो बच्चों, ये 1000 कहाँ से ले आई मैं, ये 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 4 किलोग्राम में 4 × 1000, तो यहाँ से आ जाएगा 4000 × 500 बराबर है 0 0, यहाँ से आ जाएगा 0, फिर 5, यहाँ 5 आएगा, फिर 4, यानी कि इसको हमने ऐसे ऊपर नीचे करके जोड़ लो या तो ऐसे जोड़ लो सीधा, 0 में 0 जुड़ जाएगी, 0 0, फिर 5 में 0 जोड़ेंगे, 5 आएगा, फिर 4, तो ये बना दिया हमने इसको ग्राम। अब हम 800 को जिससे हमें भाग देना है उसको भी हम ग्राम में बदल देते हैं। तो 800 किलोग्राम बराबर है 800 × 1000, क्यों किया, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 8 × 1 = 8 और 0 गिन के लगा देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ग्राम। आपको भी अगर गुणा करनी हो 0 की संख्याओं की तो अंकों को गुणा करके लिख दो और संख्या इनकी 0 की संख्या आप गिन के यहाँ पर लिख सकते हो। तो अब हमें इसको जो वैन की क्षमता है इसको एक बक्स के भार से भाग कर रहा है, तो कैसे भाग करेंगे, जो वैन की क्षमता है ये इसको अंदर लिख लेंगे हम, ये भार लिख लेंगे 4500। अब 4 × 2 = 8, ये 4500, दो बार तो ये जाएगा नहीं, देखो बच्चों यहाँ हम रफ काम के लिए जगह बना लेते हैं, 4500 को दो बार करके देखते हैं, 2 0 0 2 0 0, 2 5 10 हासिल 1 2 4 8 और 1 9, तो ये ज़्यादा हो जाता है इसलिए हम एक बार भाग करेंगे 4500, कितना बचेगा इसमें से घटाते हैं ना हम, यहाँ पर 0 फिर 0, फिर 10 में से 5 गए 5, फिर 7 में से 4 गए 3, फिर क्या करेंगे ये वाली 0 उतारेंगे हम यहाँ पर, फिर देखते हैं कितने बार भाग जाएगा, 4 × 36, तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगा, हम 8 बार भाग करके देखते हैं बच्चों, 4500 को 8 तक भाग करके देखते हैं,
8 0 0 8 0 0 8 5 40 4 8 8 4 32 और 4 36, तो ये भी ज़्यादा हो गया। इसका अर्थ ये है कि ये 7 पर जाएगा, क्योंकि ये 100 ही अधिक है, 1000 ही अधिक है सॉरी, तो ये 7 पर जाएगा। 7 0 0 7 0 0 7 5 35 हासिल 3 और 728 और 3 31, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा था 36,000, इसलिए हमने इसको भाग नहीं दिया। अब हम इसको यहाँ से घटा कर लेते हैं, 0 में से 0 चली जाएगी 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बच गया 4, 4 में से गया 3, 3 में से 3 0 बजेगी, इसको नहीं लिखते हैं हम। फिर इस 0 को भी हम यहाँ पर उतार लेते हैं, फिर वही 35,000 है, ये भी 35,000 है, तो 7 बार भाग फिर से चला जाएगा ये, तो वही 31,500 यहाँ से आ जाता है। और 0 0 10 में से 5 गए 5, जो यहाँ बचा था वही यहाँ बचेगा, 4 में से 3 3500 शेष बच जाता है, यानी कि 3.5 किलोग्राम शेष बच जाता है ये 3500 ग्राम। तो कितने बक्से रखे जा सकते हैं, पूरे पूरा 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 भाग कुल हमारा 170 आया है, तो इतने ही बक्से रखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार वैन में जितने बक्से लादे जा सकते हैं बराबर है, जो भाग फलाया है वो लिखना है बच्चों, 177 बक्स। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 10 का हल किया। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों हम रकम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की। एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है कि बच्चा 1 बार स्कूल जाता है फिर वापिस आता है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका हल हम किस तरह से करेंगे कि 6 दिन की दूरी पूछी गई है, यानी कि वो सप्ताह में 6 दिन जाता है स्कूल में आपकी तरह, तो और घर से स्कूल की दूरी है 1 किलोमीटर 875 मीटर और 2 बार तय करता है, तो हम पूरा 1 दिन की दूरी सबसे पहले निकालेंगे फिर उसको 6 से गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्कूल और विद्यार्थी के घर की दूरी बराबर है 1 किलोमीटर 875 मीटर। और फिर ये दूरी कितनी बार होती है दिन में तय, 2 बार, तो 1 दिन में तय की गई दूरी, 1 दिन में तय की गई दूरी, तो इस दूरी को हम 1 किलोमीटर 875 को क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी एक इकाई बना देते हैं, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 875 मीटर दिया हुआ है, तो इसमें जोड़ देंगे 5 7 8 1, तो 1875 मीटर ये बन जाएगा। तो अब 1 दिन में तय की गई दूरी आ गई हमारी 1875 मीटर, 1875 मीटर को 2 से गुणा करने के बाद आएगी, एक तरफ की दूरी आ गई है बच्चों, 1875 को अब हम 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 दिन में ये दूरी 2 बार तय होती है, अभी तो हमने इसकी इकाई 1 की है, 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 8 16 और 1 17, 2 1 2 और 1 80 का 3, 3750 मीटर। अब हम निकालेंगे 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी, 1 दिन की इतनी आ गई, तो 6 दिन की इसको 6 से हम गुणा कर देंगे, 6 दिन में तय की गई दूरी बराबर है 3750 गुणा 6 6 0 0 6 5 30 हासिल लगी 3, 6 7 42 और 3 45, 4 हासिल, 6 3 18 और 4 22, तो 22,500 मीटर। या इसका अगर हम किलोमीटर और मीटर बनाएंगे तो 22,500 में से 22 तो आ जाएगा हमारा किलोमीटर, 22 किलोमीटर और 500 मीटर,
ये हमने किस तरह किया बच्चों, ये हमने इस तरह किया कि 22,500 छोटी इकाई है ना, तो इसको हम किलोमीटर बनाएंगे, ये मीटर छोटी इकाई है तो बटे क्या करेंगे, बटे 1,000 करेंगे, तो यहाँ से फिर दशमलव आ जाएगी इसमें तीन के बाद 22,500, और फिर इसको हम इस तरह से लिख देंगे 22 किलोमीटर 500 मीटर। जब हम छोटी इकाई से बड़ी बनाते हैं तो जितना जिस इकाई के अंदर माप होता है उससे हम भाग करते हैं, और अगर हम बड़ी इकाई से छोटा बनाते हैं तो उसको गुणा करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर गुणा किया था 1 किलोमीटर को 1,000 मीटर बनाया था 1,000 से। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। प्रश्न नंबर 12। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, कोई बर्तन दिया हुआ है उसमें 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही दी हुई है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले, यानी कि 25 मिलीलीटर कोई छोटी कटोरी या कोई मग आता है, और उस वाले कितने गिलासों में गिलास दे रखे है 25 मिलीलीटर का में इसे भरा जा सकता है। तो इसमें बड़ा बर्तन है उसके अंदर दही दी गई है 4 लीटर 500 मिलीलीटर और 25 मिलीलीटर का छोटा गिलास है, ये पूछ रखा है कि उस दही से कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो क्या करेंगे हम इसमें, इसमें हम जो दही की कुल मात्रा है उसको गिलास में आने वाली, एक गिलास में आने वाली मात्रा से भाग कर देंगे। तो इसको किस तरह से करेंगे बच्चों, तो बर्तन में कुल दही बराबर है, बर्तन में कुल दही बराबर है 4 लीटर 500 मिलीलीटर, और गिलास छोटे गिलास की कैपेसिटी कितनी है, धारिता, धारिता वाले, धारिता का अर्थ है कैपेसिटी, यानी कि उसमें कितना धारण किया जाता है, कितना डाला जाता है कोई भी मटेरियल। तो गिलास की क्षमता बराबर है 25 मिलीलीटर। तो कैसे करेंगे हम इसको भाग, पहले हम इसकी इकाई को एक करेंगे, जो ये कुल दही है ना इसको, इसे भाग करना है, तो ये लीटर में है ये मिलीलीटर में है, हम इसके लीटर बना मिलीलीटर बना देंगे, या फिर आप इसके लीटर बनाओ, लेकिन लीटर वाला थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, बड़ी इकाई का छोटी इकाई बना लेते हैं बच्चों। 4 लीटर बराबर है 4 × 1,000, क्योंकि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1,000 मिलीलीटर होते हैं, आपको ये याद रखना है, आपने छोटे कक्षाओं में भी इसको याद किया होगा कि 1 लीटर में 1,000 मिलीलीटर होते हैं। और ये हमें 500, ये आ गया हमारा यहाँ से 4,000 मिलीलीटर, और इसको 500 मिलीलीटर इसमें जोड़ लेते हैं हम, 0054, ये आ गया 4,500 मिलीलीटर। तो कुल दही हमने बना दी है मिलीलीटर में 4,500 मिलीलीटर, गिलास 25 मिलीलीटर पहले से है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 4,500 को 25 से भाग करना है, तो 25 × 50 ज़्यादा हो जाएगा, 25 × 1 = 25, 5 में से 5 गए 0, 4 में से 2 गया 2, 1 0 उतार लेते हैं यहाँ पर, फिर 25 का पाड़ा आपको आता ही होगा, 25 × 8 = 200 होता है, वैसे भी हम ऐसे गुणा करके भी देख सकते हो आप, 25 × 8 = 8×5 = 40, 4 × 8 = 16 और 4 = 20, तो 25 × 8 = 200, क्या बचा 0, ये 3 0 लगा लो या एक ही बात है, ये 0, ये वाली 0 यहाँ पर हम उतार देते हैं, फिर भाग जाएगा तो 0 है, 0 छुटा देंगे बस, तो यहाँ पर 0 0 ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हमें भाग फला जाता है पूरा पूरा 180, यानी कि कितने गिलासों में ये दही भरी जाएगी, ऐसे 25 मिलीलीटर के 180 गिलास, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा, अतः गिलासों की संख्या बराबर है 180 गिलास। तो बच्चों अगर आपको सवाल अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स समय पर मिलती रहें। थैंक यू बच्चों।